दतिया ग्वालियर चंबल संभाग कमिश्नर SB ओझा ने और IG मनोज शर्मा दतिया दौरे पर रहे। COVID-19 कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मेडिकल कॉलेज में समीक्षा बैठक ली। बैठक में सख्त दिशा निर्देश दिए गए। संभाग कमिश्नर MD ओझा ने सभी डॉक्टरों को प्रशासनिक अधिकारियों को COVID-19 वायरस एवं आपातकालीन आपदा में अपनी जिम्मेदारी पूरी निष्ठा पूर्णता से कार्य करें। ड्यूटी में लापरवाही बरतने पर डॉक्टर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कमिश्नर ओझा ने मेडिकल कॉलेज में मीटिंग हॉल, मेडिकल कॉलेज के डीन राजेश गौर एवं चिकित्सक, CMHO, सिविल सर्जन, माइक्रोबायोलॉजी एवं एनाटॉमी में पदस्थ डॉक्टरों की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि किसी भी स्थिति में कोरोना वायरस के मरीज रेफर ना करें, उसकी हर सुविधा सहित यहीं पर इलाज किया जाए। कमिश्नर MD ओझा जिला चिकित्सालय में सुविधाएं अनवस्थित हैं, उन्हें तत्काल दुरुस्त की जाए जिससे मरीजों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। कमिश्नर MD ओझा जी ने कहा कि जो डॉक्टर बाहर से अप डाउन करते हैं उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करें, 2 माह भी वेतन भी रोकी जाए। मेडिकल कॉलेज समीक्षा बैठक में दतिया कलेक्टर रोहित सिंह, मेडिकल कॉलेज डीन राजेश गौड़, अपर कलेक्टर विवेक रघुवंशी, पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौर, DFO प्रियांशु सिंह राठौर, SDM अशोक सिंह चौहान, अतिरिक्त CO जिला पंचायत धनंजय मिश्रा, CMHO SN उदयपुरिया, सिविल सर्जन DK गुप्ता, तहसीलदार नितेश भार्गव सहित जिले के सभी अधिकारी बैठक में उपस्थित थे। कमिश्नर MB ओझा ने जिले के प्रशासनिक अधिकारियों से व्यवस्थाएं दुरुस्त करने और आपदा विपत्ति आने पर हर प्रकार से तैयार रहने के निर्देश दिए। समीक्षा बैठक के बाद कमिश्नर MB ओझा ने मीडिया से चर्चा की। जीत पाएंगे और इस कोरोना का प्रिकॉशन के लिए आउटसाइड है कि हमारी सैंपलिंग पर्याप्त हो, सैंपलिंग के बाद हम आइसोलेशन पर्याप्त करें, हमारे पास बेड पर्याप्त हो, ऑक्सीजन पर्याप्त हो, तो सब की हमने समीक्षा करी और जो हमारे डॉक्टर साहब आए उनको सबको निर्देशित किया कि जो सैंपलिंग हो सैंपलिंग पर्याप्त करें और जो आइसोलेशन बेड हैं, जो ऑक्सीजन बेड हैं उनको पर्याप्त मात्रा में रखें और कोई भी पेशेंट आपको मालूम पड़ता है कि वो जुकाम बुखार खांसी या खांसी में दिक्कत हो रही है उसको तत्काल मेडिकल भेज दो। सर भी काफ़ी शिकायत आ रही है कि कुछ खाने में खाना सही नहीं दिया जा रहा है स्वास्थ्य विभाग में, उसके लिए हम जांच करते हैं। वैसे देखो पूरी तरह से हाइजीनिक हो और उसको खाने में कोई दिसंगत नहीं हो, लेकिन अगर कोई ये समझे कि होटल की तरह खाना मिले या कुछ और करें तो वो अनुचित है, लेकिन कोई मेरा मानना है खाना जो होना चाहिए पौष्टिक होना चाहिए और मेडिकल हिसाब से अच्छा। उनके द्वारा कहा जाता है कि आप चैम्बर में आ जाएं और ज्ञापन दे दें। पुलिस अधीक्षक जी कहते हैं कि मीडिया परमिशन लेके आए। सर जब तक मीडिया परमिशन लेगी जब तक तो ज्ञापन दे के सब कुछ खत्म हो जाएगा। कैसा लोग जब 60 लोग साथ में जा सकते हैं ज्ञापन देने तो क्या 1-2 मीडिया वालों को परमिशन लेनी पड़ेगी? सर इस बारे में बात करेंगे हम, लेकिन मेरा अभी भी आपसे ये सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें। मेरे यहाँ भी कोई ज्ञापन देने आते हैं तो मैं बोलता हूँ बाकी सब लोग बाहर खड़े हुए हैं, 2 लोग अंदर आ जाएंगे, क्योंकि तो ये तो आपने किया ज्ञापन के लिए बुलाया आपको कोरोना फैला।